हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर हाजिर हो अपने चैनल इंडियन करुणा इंडियन व्लॉग्स में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली एकदम अलग प्रकार की सब्ज़ी। तो किसको किसको पता है इस सब्ज़ी के बारे में, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है वसीडा, ये कमल की लकड़ी होती है, डंठल जिसको होती है, कमल की नाल होती है, और ये तालाब में होता है, और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसको धोना कई बार होता है, छीलने से पहले, काटने से पहले, काटने के बाद, और इसको हम कर रख दिए बॉयल होने के लिए। तब तक हम यहाँ मसाला अच्छे से पेस्ट बनाना है, तो यहाँ अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है, और इसमें अब हम मसाला पीसेंगे। इससे पहले हम एक टमाटर को भी अच्छे से पीस लेंगे। अब यहाँ पे हमने टमाटर को भी पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे लिया मैंने पीसा हुआ, मतलब थोड़ा कुटा हुआ हल्दी, धनिया, लौंग डोड़ा है, दालचीनी है, टमाटो सॉरी प्याज है, और मिर्च, इनको डाल के अच्छे से हम पीस लेंगे पानी डाल करके। और देखिए अच्छे से उबाल भी हो चुके हैं, इनको इतना मतलब पका देना है, उबाल देना है कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में, एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए। देखिए हमने रख दिया कढ़ाई में, और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ग्रेवी मतलब गाढ़ी पसंद हो तो वैसे रख सकते हैं, ज़्यादा ग्रेवी मतलब पतली पसंद हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पतली ग्रेवी बनाना चाहूँगी, क्योंकि घर पे यहाँ पे ग्रेवी पतली पसंद करते हैं, और ये वैसे भी अच्छे से पहले से ही बॉयल हो चुका था, इसको पकने में टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ आप इसको मतलब कम ग्रेवी की गाढ़ी भी मतलब कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये चिकन को भी मतलब मार देता, इतना अच्छा बनता। थोड़ा सा तेल कम पड़ गया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा तेल, दो मैं तेज पत्ते डाल दिया, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया था उसको डाल दें। यहाँ थोड़ा कलर चेंज होने तक हम अच्छे से भून लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ अपने जो हमने मसाला मतलब पीसा था, खड़ा मसाला हमने यहाँ डायरेक्ट पीसा था, आपके पास जो नॉर्मल पाउडर आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल दी एक चम्मच बेसन। बेसन से क्या होता है, सब्ज़ी में जो ग्रेवी होती है बहुत ही मतलब अच्छी बनती है, पानी अलग मसाला ऐसा नहीं होता, ये अपने मसाला पानी से अच्छे से साथ बना रखता है, तो इसलिए यहाँ पर बेसन, आप कोई भी रसेदार सब्ज़ी बनाते हैं तो यहाँ एक चम्मच बेसन ज़रूर यूज कर दीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब मसाला के डालने से पहले यहाँ बेसन यूज करिए, जब तक पूरा भून जाएगा तब इसके बाद हम मसाला डाल देंगे, और यहाँ अच्छे से हमको मसाला पकाएंगे, जब तक जो हमारा मसाला और तेल अलग अच्छे से मतलब अलग ना हो जाए। तो हमने जो मिक्सी मसाला लगा था जार को अच्छे से धो के हमने यहाँ पे डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम जलाएंगे, यहाँ पे गैस को एकदम लो रखेंगे। देखिए मैंने इस तरह चला लिया है, और देखिए मसाला अच्छे से पक रहा है, धीरे धीरे करके हम यहाँ गैस को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना मसाला जल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मेहनत लगती है अच्छा खाना बनाने के लिए बस। और देखिए हम यहाँ पे तेल थोड़ा दिख रहा अलग हो गया मसाला से, तब हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे, और इसको अच्छे से इसको भी भून लेंगे। यहाँ डाल देंगे नमक, अगर टमाटर आए तो नमक ज़रूर साथ में आएगा, इससे टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, पक भी जाता है, इसलिए टमाटर के तुरंत बाद नमक ज़रूर डाल दें। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मसाला है एकदम अच्छे से पक चुका है, देखिए। और यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप पानी डाल लीजिएगा, आपको जिस प्रकार की सब्ज़ी पसंद हो, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती, अगर आप कम पानी डालेंगे ग्रेवी गाढ़ी होगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बट यहाँ पे मेरे घर पे इसकी सब्ज़ी थोड़ा रसेदार पसंद करते, ग्रेवी पतली पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर पानी ज़्यादा डालूँगी, और आपके यहाँ पे आप अपने हिसाब से पानी ज़रूर डालिएगा। और देखिए इसको अच्छे से पकने देंगे,
देखिए यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है और इसको अच्छे चला लेंगे। अब अच्छे जब एक बॉईल आ जाएगा तब यहाँ पे हम ककड़ी, जो कमल ककड़ी है उसको डालेंगे। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पर जो पानी था गर्म हो चुका है, इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है और देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं। थोड़ा हरी धनिया डाल दिया है हमने। देखिए हमारी सब्जी पूरी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसको अलग मतलब करने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट ही ढक के रख देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ थोड़ा ढकना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमने ढक दिया था, अब हम अलग कटोरी में सर्व करने के लिए निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगती है, कभी खाया है कि नहीं खाया है। जो भी आपकी राय हो जरूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको चावल के साथ, पराठा के साथ, पूरी साथ, किसी के साथ भी खाइए, आपको सच बहुत ही अच्छा लगेगा। आपकी पसंद जिस चीज़ से आप खाना चाहें। बाय बाय।